डिस्काउंट्स के जरिए सेल्स ग्रोथ कैसे करें। आज के इस वीडियो में हम 5 इम्पोर्टेंट डिस्काउंट टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, जिसको इम्प्लीमेंटेशन करके अगर आप अपने कस्टमर को डिस्काउंट्स देते हैं तो उसके जरिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा सेल्स जनरेट कर सकते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। हर एक सेल्स टेक्निक को समझकर, हर एक डिस्काउंट टेक्निक्स को, स्कीम्स को समझकर, अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंटेशन करके अपने बिजनेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा सेल्स जनरेट करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। मैं मधुमिता स्वागत करती हूँ आपको इस वीडियो में। डिस्काउंट्स सेल्स स्पिरिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डिस्काउंट्स देने से कितना ज्यादा सेल्स होता है ये तो हम सबको पता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम खुद भी एक बायर हैं और ऐसे बायर डिस्काउंट्स मिलने से हम बहुत सारे सामान खरीद लेते हैं बल्क में। तो आज के इस वीडियो में हम 5 इम्पोर्टेंट डिस्काउंट टेक्निक्स के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, जिनको इम्प्लीमेंटेशन करने से आपके बिजनेस के अंदर जरूर इजाफा होगा सेल्स में। हमारा फर्स्ट डिस्काउंट टेक्निक है लॉयल्टी मेंबर डिस्काउंट। आप अपने लॉयल्टी प्रोग्राम में मेंबर्स ऐड कर सकते हैं। आप अपने नेक्स्ट परचेज में अपने कस्टमर को कुछ भी डिस्काउंट दे सकते हैं। बेस्ड ऑन बायर्स परचेसिंग हैबिट आप अपने कस्टमर को बहुत सारे अपसेल भी कर सकते हैं। आप अपने कस्टमर के लिए एक्सक्लूसिव मेंबरशिप भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और उनकी लॉयल्टी चेक करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा CRM का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा सेकंड डिस्काउंट टेक्निक है सीजनल और प्रमोशनल डिस्काउंट। आप सीजनल डिस्काउंट दे सकते हैं अपनी पुरानी इन्वेंट्री को क्लियर करने के लिए। प्रमोशनल डिस्काउंट में 4 बातें ध्यान देना बहुत जरूरी है। फर्स्ट, ये लिमिटेड टाइम के लिए आपको देना है। ये डिस्काउंट आपको तभी रखना है जब आप एकदम लिमिटेड टाइम के लिए अपने कस्टमर को एक टाइम बाउंड दे देते हैं। सेकेंडली, आपको ये अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की एंड लाइफ में, जब आपका प्रोडक्ट या सर्विस खत्म होने जा रहा है, वो खराब होने जा रहा है, उस टाइम पे देना चाहिए। तभी आपकी जो पुरानी इन्वेंट्री है वो पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। थर्डली, आपको हॉलीडे या तो बिग इवेंट में डिस्काउंट देना है, जैसे होली, दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर, ऐसे कुछ भी इवेंट को जो बड़े बड़े हॉलीडेज है, इनके अकॉर्डिंग आपको डिस्काउंट देना है। फोर्थली, आपको ध्यान रखना है बोगो, BOGO, बाई वन गेट वन फ्री। ये बहुत पॉपुलर है आज के दौर में। ये प्रमोशनल डिस्काउंट बहुत ज्यादा यूज होता है कोई भी इंडस्ट्री में। हमारा थर्ड टेक्निक है वॉल्यूम डिस्काउंट। वॉल्यूम डिस्काउंट तभी दिया जाता है जब B2B कोई भी ट्रांजेक्शन होता है। B2B बिजनेस टू बिजनेस जब आप डील करते हैं, बल्क में डील करते हैं, वहां पे आप वॉल्यूम डिस्काउंट दे सकते हैं। आप रिटेल में भी अपने कस्टमर को वॉल्यूम डिस्काउंट दे सकते हैं, जैसे उनको आप 10 चीजें दे सकते हैं, 10 प्रोडक्ट दे सकते हैं 5 के दाम पर। फोर्थ पॉइंट है फर्स्ट टाइम शॉपर एंड अर्ली बर्ड डिस्काउंट। फर्स्ट टाइम शॉपर एंड अर्ली बर्ड डिस्काउंट, ये दोनों अलग अलग प्रोसेस है। फर्स्ट टाइम शॉपर मीन्स जो कस्टमर फर्स्ट टाइम आपके साथ ट्रांजेक्शन कर रहा है, आपका प्रोडक्ट या सर्विस फर्स्ट टाइम यूज करने जा रहा है, उनको आप एक डिस्काउंट दे सकते हैं ताकि वो कस्टमर को आप एक्वायर कर पाए। और अर्ली बर्ड डिस्काउंट मतलब आपने कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को लॉन्च किया है मार्केट में और उसको आप डिस्काउंट पे प्रमोट कर रहे हैं, या तो आपके जो लॉयल कस्टमर है उनको आप कुछ डिस्काउंट दे रहे, डिस्काउंटेड प्राइस पे अपने प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करने दे रहे, और उनके थ्रू आप इन फ्यूचर रेफरेंस बना के आप प्रोडक्ट या सर्विसेज को पोजिशनिंग कराएंगे, उसकी एक वैल्यू क्रिएट करेंगे मार्केट में। हमारा फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है डिस्काउंट फॉर अ स्पेशल ग्रुप। ये डिस्काउंट आप एक पर्टिकुलर स्पेशल ग्रुप के लोगों को दे सकते हैं और ये आप उनको पूरे साल देके जा सकते हैं। स्पेशल कैटेगरी के लोग मतलब आर्मी ऑफिशियल्स, या तो कोई बिजनेस मैन वोमेन, या तो स्टूडेंट्स, एंटरप्रेनर्स, डॉक्टर्स, या तो अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस ऐसा है जो आप ब्लाइंड्स को मदद कर सकते हो तो आप ब्लाइंड्स को भी स्पेशल कैटेगरी में रख सकते हैं। आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज कौन से कैटेगरी के लोगों के लिए यूजफुल है उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्पेशल ग्रुप को एनालाइज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं और उनको पूरे साल 1% में डिस्काउंट दे के जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने 5 इम्पोर्टेंट डिस्काउंट टेक्निक्स के बारे में बात किया है, जिनको अगर आप अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो आपके बिजनेस के अंदर जरूर इजाफा होगा, आपके बिजनेस के अंदर सेल्स ग्रोथ में जरूर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा।
तो आज से ही अपने बिजनेस के अंदर हर एक डिस्काउंट पॉइंट्स को यूटिलाइज करना, इंप्लीमेंटेशन करना शुरू कर दीजिए और अपने बिजनेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ लेके आइए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और अगर आपके मन में कोई सुझाव है किसी टॉपिक में आप वीडियोस चाहते हैं तब भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाने की कोशिश जरूर करूंगी। और हाँ, अगर आपको मेरा काम पसंद आया है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने अपनों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।